नमस्कार दोस्तों, एकेटी गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपने पिछली वीडियो में जाना कि खंती क्या होती है, और आज हम जानेंगे कि यदि हमें खंती का बंटवारा करना है या हमें इस बात का दिया बात तय करनी है कि हमें कितने लोगों को काम में लगाना है या फिर हमने खेत तालाब बनाना है उसके पहले स्टेप में काम करना है, तो हमें खंतियों का कैसे बाँटना चाहिए, उसका साइज हम कैसे रखें, तो ये सारी बातों को जानने के लिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से सारा डिटेल में समझेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अक्सर जब भी आपको इस तरीके की परेशानी आती है कि आपको अगर खेत तालाब का निर्माण करना है और उसमें हमें खंतियाँ बांटना है, तो वो खंतियों को बांटने के लिए हमें क्या प्रक्रिया अपनाना चाहिए, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 10 मीटर लंबाई का और 10 मीटर चौड़ाई का मैंने एक फार्म पॉन्ड का एक स्टेप खोदने के लिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है। जब हम 10 मीटर का यदि लेंथ है और 10 मीटर के लेंथ को यदि हमें खंतियों में बांटना है, तो वैसे स्थिति में मैं क्या करूँगा कि कुछ एक ऐसे नंबर से डिवाइड करूँगा जिसमें बराबर भाग में बराबर नंबर में वो खा। तो जब मुझे लंबाई में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 10 मीटर का लेंथ है और इसको मुझे बराबर खंतियाँ बांटनी है, तो मैं क्या करूँगा कि ऐसे नंबर से मैं डिवाइड कर दूँगा जिससे ये बिल्कुल बराबर बढ़ जाए। तो मैंने यहाँ पे 2 का डिवाइड किया है तो 5 आ रहा है, इसका मतलब मुझे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 खंतियों का मुझे यहाँ पर खंती देनी होगी, जिसकी जो लंबाई है वो 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर की होंगी। इसका मतलब है लंबाई के लिए तो मैंने नंबर निकाल लिया कि ये 5 खंतियाँ होनी चाहिए। इसी तरीके से मैं चौड़ाई पे देखूँ तो चौड़ाई पे भी 10 मीटर है, लेकिन चूंकि लंबाई मेरे पास 2 मीटर की है, तो चौड़ाई जानने के लिए मैं क्या करूँगा कि मेरे पास कुल आयतन जितना हमें काम करना चाहिए एक लेवर को, जिससे उसे 193 रुपये पैसा मिल पाए, तो उसके लिए वॉल्यूम है 1.8 जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो मैं क्या करूँगा कि 2 मीटर की लंबाई मुझे निकल के आती है, तो मैं इसे एक्स मान लिया है और 30 सेंटीमीटर का हमें इसमें 2 मीटर की लंबाई है और एक्स मुझे ज्ञात करना है कि इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, और 30 सेंटीमीटर का यहाँ पर गहराई है और 1.8 क्यूबिक मीटर का मुझे काम करना है। तो ऐसी स्थिति में मैं एक्स की वैल्यू को निकाल सकता हूँ कि मुझे 3 मीटर का या 3.33 के आसपास मुझे इसकी लंबाई रखनी होगी, जो अगर राउंड फिगर में मैं देखूँ तो इसे मैंने 4 ले रखा है। तो अब हम देखें कि यहाँ पे लंबाई के केस में हमने देखा कि 5 खंती बनेंगी और चौड़ाई के केस में 4 खंती बनेंगी, क्योंकि इसमें मैंने 4 का डिवाइड किया तो 2.5 का एक चौड़ाई होगी। इसका मतलब ये है कि लंबाई जो है वो 2 मीटर की होगी और चौड़ाई होगी 2.5 की। तो इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई में हम देखें तो 5 × 4 यदि हम करते हैं तो 20 खंती हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी। इसका मतलब जो एक खंती पर जो एक लेवर काम करेगा वो एक लेवर काम करेगा, तो इस तरीके से कुल लेवर की संख्या 20। तो इस तरीके से आप किसी भी तालाब के केस में जब आपको खंती को बंटवारा करना है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और आप खंतियों को उन्हें बांट कर दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुँच पाए और वो लोग भी ये सब जानकारियाँ सीख पाएँ। धन्यवाद।